यूक्रेन और रूस के बीच विवाद शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। खबर है कि अगले 48 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। इसी बीच ये विवाद शांत कराने की कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि ये विवाद शांत कराने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस से बातचीत का जिम्मा संभाला है। इस मामले को सुलझाने के लिए ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रूस इस समय रूस दौरे पर हैं। उन्होंने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से यूक्रेन संकट पर बातचीत की है। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने सर्गेई लावरोव को बैठक में ही चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि पश्चिमी देश हमें उपदेश देने की कोशिश ना करें। लावरोव ने कहा है कि वैचारिक दृष्टिकोण और अंतिम चेतावनी के रास्ते आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इससे बातचीत की पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक का भी कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रूस से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने के अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्रतिबद्धता का पालन करें। इससे दो दिन पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मॉस्को पहुंचे थे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन को लेकर लंबी बातचीत की थी। तब मैक्रों ने भरोसा जताया था कि रूस अब यूक्रेन संकट को और अधिक नहीं बढ़ाएगा। मैक्रों मॉस्को का दौरा कर सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव भी पहुंचे थे। इस बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने इमैनुअल मैक्रों से कहा था कि अमेरिका और नाटो ने रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अब ये दोनों हमें लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस को अपनी सेना कहां और कैसे तैनात करनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने 2015 के मिन्स्क समझौते को मानने से इनकार कर पहले ही तनाव को बढ़ा दिया है। ऐसे में रूस के पास खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि कम से कम 9 लाख रूसी सैनिक भारी तोपखाने और टैंकों के साथ यूक्रेन की सीमा के नजदीक तैनात हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में ये संख्या बढ़कर 1,75,000 हो सकती है। ब्रिटिश सशस्त्र बलों के रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख एडमिरल सर टोनी रजाकिन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 75 से अधिक वर्षों के लिए यूरोप में सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।